हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बनाएंगे कच्चे आम की मीठी वाली लौंजी, और वो भी शक्कर की। तो इसमें हमने डाल ली है कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना और जीरा और हींग, और उसके बाद मैंने डाल दिए हैं काट के ये सारे कच्चे आम जो काट गई हैं मेरी, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन सब में इसके साथ। और इसमें हाँ, मैंने थोड़ा दो चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल लिया था, उसमें अच्छे से हो जाती है। इसमें मैं मिलाती हूँ सूखे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक, ये मिला के भी अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और मैं इसमें करीब दो ग्लास के करीब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। दो ग्लास के करीब पानी डालने पर ये अच्छे से इनका मिक्सचर अच्छे से बन जाता है। मतलब ये बाद में जब पानी सूख भी जाता है तो भी इनका अच्छा रह जाता है। और फिर उसके बाद ये काली मिर्च है और गरम मसाला है, जीरा पाउडर है और चाट मसाला है थोड़ा, तो ये मैंने इसमें डाला है। तो इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी रह जाएगी उसके बाद भी, जब पानी थोड़ा जल जाएगा। उसके बाद ढक्कन लगा के मैं रख दिया, उसके बाद देखते हैं ये पक गई हैं। लेकिन अभी ये कैसे पक सकती हैं, अभी तो नहीं पक सकती, 3-4 मिनट में ये के बाद देखा है मैंने, तो अभी नहीं पकी है, थोड़ी सी इनमें अभी कमी है। तो उसके बाद फिर दोबारा ढक देते हैं और फिर दोबारा देखते हैं। तो अब ये लगभग पक चुकी हैं, लग रहा है ये थोड़ी पकने के मतलब हो गई हैं ये। तो उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ ये वाली जो कटोरी है, डेढ़ कटोरी के लगभग मैं इसमें शक्कर डाल देती हूँ, इससे अच्छा मीठा हो जाता है ये। इतनी इतनी जो आपकी होती हैं ये कच्ची वाली जो आमी होती हैं कैरी, तो इसमें ये डेढ़ शक्कर कटोरी आप डालोगे, डेढ़ कटोरी शक्कर, तो आप ये अच्छी बन जाएगी आपकी। ये देखिए, और इनका देखिए, ये अच्छे से ये इनका मिक्सचर बनके तैयार है। हम गैस को अब बंद कर देते हैं। जब ये ठंडी हो गई हैं और ठंडी होने के बाद देखिए ये बन चुकी हैं, तैयार हैं ये, और कितना अच्छा इनका बन गई हैं। ना तो ये ज़्यादा गाढ़ी हुई हैं और ना ये ज़्यादा पतली हैं, तो ये इनकी अच्छी कंसिस्टेंसी है। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।